हमारे साथ इस समय हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी। सर, जो आज बैठक हुई है उसमें एक स्टेटमेंट जो बाहर अभी मीडिया से शेयर की है कांग्रेस अध्यक्षा की, उसमें ये उन्होंने कहा है कि जो पार्टी है उसने आपको सब कुछ दिया है और अब पार्टी का कहीं ना कहीं जो डेट है उसको चुकाने का वक्त है। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, और जिस तरीके से हर प्लेयर के लाइफ में कुछ अप एंड डाउन आता है, पॉलिटिकल पार्टी के भी आता है, और उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जो पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेकर के, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और यहाँ कांग्रेस का सहारा लेकर के महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुँचे हैं, उनको चाहिए कि वो जितना जो स्थिति उन्होंने हासिल की है कांग्रेस से, कांग्रेस को फिर से लाने के लिए वो कंट्रीब्यूट करें। मैडम ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी ने तो आपको दिया है, आप कुछ कर्ज चुकाइए, कुछ उसको बैक करिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि वहाँ जो 30-40 लोग बैठे हैं केवल उनके लिए है, ये उन सब लोगों के लिए है जो कभी न किसी पोजीशन में कोई उनकी पहचान बनी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत ही क्रूशल जंक्शन पे इस समय पार्टी है और जादू की छड़ी नहीं है। देखिए, जब आप एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं तो उसमें हम सब लोग जानते हैं कुछ अप एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जब हम एक सीधे उद्देश्य को लेकर के कि हमको जिन्होंने हमसे सत्ता छीनी है उनसे हमको सत्ता छीननी है, वो साफ उद्देश्य को लेकर के लड़ेंगे तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो असंभव है। और ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा ऐसी है कि जिसको हराया नहीं जा सकता है, उसको हराया जा सकता है। एक संदेश और बड़ा साफ दिया कि सेल्फ क्रिटिसिज्म ठीक है लेकिन ऐसा कुछ ना करें जिससे पार्टी के मोरल को डाउन किया जाए। कि थोड़ा सोशल मीडिया के समय में जो है ज़्यादा खुलापन है, उसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान ना हो। बाकी हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, कुछ खुलापन तो रहेगा ही, कुछ विचारों का आदान प्रदान उससे होता है, तो उसमें मैसेज बहुत क्लियर जा रहा है कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ, ये देखिए लक्ष्मण रेखा कहाँ पे है इसको सबको समझना पड़ेगा, और लक्ष्मण रेखा से बाहर ही रह करके आपको जो भी आप समझते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सब चीज़ जो है एक गाइडेड कोड के अंदर करना पड़ता है। पॉलिटिक्स के अंदर आपको बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक उस समय जो चुनौतियाँ आ रही हैं, उस समय जो सवाल आ रहे हैं उसके अनुसार करनी पड़ती है, मगर कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो पार्टी के लिए बर्डन न बने। आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने कुछ कहा बैठक में, CWC की बैठक में? नहीं, उन्होंने अपने तरीके से बीच में इंटरजेक्ट किया, कुछ सुझाव दिए। उनकी तरह से क्या मैसेज था? उन्होंने भी वही जो मैडम ने कहा, मोरल लेस जो है, लेकिन उन्होंने सब्जेक्ट पर कुछ कहा जो है, कहीं पर कुछ सुधार करना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना, वो बातें कही। कितना इम्पोर्टेंट रहेगा चिंतन शिविर सर? ये चिंतन शिविर से हमको एक साफ मैसेज जो है वर्कर्स को देना है, सबसे बड़ी बात तो यह है वर्कर्स के लिए, और उसके बाद जो है उन सोशल सेक्शंस को देना है जो आज भी कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों को देना है, और सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी के लिए। आज जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे डिमोरलाइज हो रही हैं, जिस तरफ जा रहा है देश जो है उससे बहुत चिंतित है। यहाँ ये जो चिंतन शिविर है उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा रहेगा? इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, ये ऐसे समय में आ रहा है जब एक के बाद एक स्टेट में हम हारे हैं, एक के बाद एक चुनाव को हारे हैं। हम लोगों ने पहले भी जो चिंतन शिविर किए थे उससे रास्ता निकला था, बल्कि मैं ये कहूँगा कि UPA 1 और UPA 2 ये दोनों जो है ये जो चिंतन शिविरों से एक लाइन बनी थी उसी लाइन को मैडम सोनिया गांधी जी आगे लेकर के चली, उससे ही जो है हम 2004 में और 2009 में सत्ता में आए, और आज फिर हमको कहीं कहीं पर अपनी कमजोरियों को एनालाइज करके उनको कैसे दूर कर सकते हैं उसके विषय में स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। आखिरी सवाल, कहा ये भी जा रहा है कि वहाँ पर एक मांग और उठेगी कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर, तो क्या राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बने, ऐसी कुछ आप मांग उठाएंगे? सबकी इच्छा है, सारे लोगों की इच्छा है कि राहुल जी जो है वो लीड तो कर रहे हैं लेकिन एज कांग्रेस प्रेजिडेंट इस डेजिग्नेशन के साथ लीड करें, और मैं समझता हूँ कि हम लोग ये समझवाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं कि क्यों वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप मांग उठाएंगे इसको? ये तो हम
ये तो हर कांग्रेसमैन की जवान पर है, वर्किंग कमेटी में कई बार ये बात उठ चुकी है। हमारे साथ इस समय AICC के हिमाचल के इंचार्ज राजीव शुक्ला जी। सर, अंदर बैठक में क्या कुछ बातचीत थी, जरा बताएंगे, क्या कहा कांग्रेस अध्यक्ष ने? कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस मजबूत बनाने की बात की, सारे लोगों के सुझाव लिए जाएंगे। छह जो कन्वीनर हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उसी आधार पर सारे ग्रुप डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद सारे ग्रुप जो है एक वहाँ पे एक ये बनेगा कि आगे क्या एक्शन प्लान है। मिसेस गांधी ने जो कहा उस पर आपको क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि डेट और मैजिकल वॉन्ड्स और साथ में कहीं ना कहीं हिदायत भी दी उन्होंने, कोई जादू की छड़ी ऐसी नहीं निकाली, लेकिन सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा रणनीति बन के, तो रणनीति बनेगी उसी के आधार पर होगा। हमारे साथ इस समय है पंजाब के न्यूली अपॉइंटेड अध्यक्ष राजा वरिंग जी। सर, अंदर बैठक में क्या कुछ ना कुछ बताएंगे, स्पेशली यूथ को लेके, क्योंकि आपको ये जिम्मेदारी दी गई है पेपर जो लेकर रहे उसको। बिल्कुल, मैंने तो पहली बार ये धन्यवाद दिया कांग्रेस अध्यक्ष का और राहुल जी का कि मेरा एक सपना था CWC में बैठने का, वो आज पूरा हुआ है पहली बार और अध्यक्ष के रूप में, और मेरे को यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर मेरे को कन्वीनियर बनाया है और उसके ऊपर चर्चाएँ रही, हमने अपनी बात रखी, जो भी उस कमेटी के मेंबर थे उन्होंने सुना और कुछ सुझाव दिए हैं जिनको ऐड ऑन करना है। तो मेरे को लगता है कि ये तमाम चर्चा हम वहाँ पर करेंगे। अभी जो लोग होंगे वो चिंतन शिविर में शामिल होंगे, वो फाइनली जो भी होगा वो ही लोग तय करेंगे कि क्या होना चाहिए यूथ एम्पावरमेंट के लिए। राजा जी, आज जब हम बात कर रहे हैं तो डॉलर की जो रुपी और डॉलर का है वो 77 रुपीज़ का एक डॉलर हो गया है, इसके साथ साथ इकॉनमी पे भी काफ़ी कहीं ना कहीं जो है कहा जा रहा है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, कैसे देखते हैं इसे आप? मैं तो कहता हूँ कि 77 भी रह जाए, मेरे को डर है कि ये महीने डेढ़ महीने में जिस तरीके से हिंदुस्तान की सरकार सेंटर सरकार चल रही है, ये 100 का आंकड़ा ना पार हो जाए कहीं, इसके ऊपर रोक लग बिल्कुल काम होना चाहिए, नहीं तो देश का जो हाल होगा वो देश ही बता सकता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पंजाब से शुरुआत हुई, आपके यहाँ से शुरुआत हुई, आपने कंप्लेंट्स भेजी कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं हुआ, आज उसकी गूंज यहाँ CWC में सुनाई दी गई है। उन्होंने कहा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म जरूरी है, कांग्रेस अध्यक्ष ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया कांग्रेस पार्टी, उसमें कहा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ ना करें जैसे पार्टी का मॉरल जो है वो डाउन हो, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर दिखाई पड़े और कमज़ोर दिखे। अगर कोई इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म करना चाहता है वो करे, लेकिन कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, ना कि कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस को कमज़ोर करने की बात करता है तो उसके खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए।